एक तरफ वर्तमान सांसद राजेश वर्मा मोदी लहर चलने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी कैसर जहां कांग्रेस पार्टी के वादों को याद दिलाते हुए घूम रही है। लेकिन सीतापुर क्षेत्र की बात की जाए तो यहां न मोदी की लहर है और न कोई कांग्रेस प्रत्याशी की हवा चल रही है, बल्कि यहां गठबंधन प्रत्याशी का पलड़ा भारी दिख रहा है। लोगों की माने तो ऐसा इसलिए है कि वह ऐसे प्रत्याशी जो क्षेत्र के चौमुखी विकास करने के लिए योग्य है। इसके अलावा सर्व समाज का समर्थन गठबंधन प्रत्याशी को मिल रहा है, जिससे गठबंधन प्रत्याशी सभी पर भारी नजर आ रहा है। लेकिन अब ये समय ही बताएगा कि किसको जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी की घोषणाओं का बखान करती घूम रही है, लेकिन वो मुकाबले में कहीं नजर नहीं आ रही। वहीं कुछ प्रत्याशियों पर सीतापुर की जनता का आरोप है कि प्रत्याशी चुनाव के समय ही नजर आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी की बात की जाए तो 2014 के लोकसभा चुनाव में सांसद राजेश वर्मा निर्वाचित हुए थे। उससे पहले 2009 में सीतापुर लोकसभा के चुनाव में यहां से कैसर जहां सांसद बनी थी, लेकिन सीतापुर को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में नाकाम रही। बीजेपी से राजेश वर्मा, कांग्रेस पार्टी से कैसर जहां व बसपा सपा रालोद गठबंधन से नकुल दुबे सभी की तुलना में सीतापुर लोकसभा सीट पर भारी पड़ रहे हैं। नकुल दुबे चुनाव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले कैबिनेट मंत्री रह चुके गठबंधन प्रत्याशी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी थी, जिसे देखते हुए सीतापुर की जनता नकुल दुबे के साथ दिखाई दे रही है। पूर्व मंत्री नकुल दुबे अपने चुनाव प्रचार के लिए जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी के द्वारा गठबंधन के कार्यकर्ताओं का ख्याल भी रखा जा रहा है, इससे कार्यकर्ता भी तन मन के साथ उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। उधर सीतापुर क्षेत्र का गांजरे इलाका कृषि प्रधान है, जिसका फायदा गठबंधन प्रत्याशी को मिल रहा है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि केंद्र में रही सरकारी किसानों के हित में कोई काम नहीं करती। सीतापुर में अत्यधिक मात्रा में खेती की जाती है, पर किसानों को सरकार द्वारा कोई लाभ नहीं मिलता। प्रदेश में सपा सरकार के समय में किसानों के हितों का ध्यान रखा जाता है, ये मुद्दा भी गठबंधन प्रत्याशी के लिए वरदान साबित हो सकता है।